हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। 16 नवंबर को शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नए और अगले कार्यकाल की 7वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कल रात जेडीयू कोर कमेटी की बैठक हुई, बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुई और इसी दौरान दिवाली के बाद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से शपथ ले सकते हैं, ये तय हुआ। भाई दूज है 16 नवंबर को और इसी दिन 7वीं बार नीतीश कुमार अगले कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। हमारे साथ पंकज झा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया है। पंकज, तो ये तो स्थिति साफ कर ही दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि बिहार में अगर कोई चेहरा होगा तो नीतीश कुमार होंगे और अब खबर ये कि 16 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, पहले से ये तय था कि दीपावली के बाद किसी दिन ये शपथ ग्रहण होगा और नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कल देर रात मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग वाले सरकारी घर पर उनकी जो कोर कमेटी है जेडीयू की, उसकी फिर से देर रात तक बैठक हुई थी। उसमें कई विधायकों से भी बातचीत की गई। उसके बाद तय किया गया कि दीपावली के बाद ही शपथ लेना बेहतर होगा और उसमें चूंकि ये 16 तारीख जो है मंगलवार है और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर पहले विधायक दल की बैठक होगी, पहले जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग होगी, फिर दोनों मतलब गठबंधन में जो और भी पार्टियां हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की, सबके विधायक दल की ज्वाइंट बैठक होगी, उसमें उनको नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो नीतीश कुमार शपथ लेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिपरिषद भी शपथ लेगी और किस दल को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्या ये कोर कमेटी में तय हुआ? नहीं देखिए, इसमें कोर कमेटी में अभी इस बात पर तय नहीं हुआ है। आपको बताऊं कि जो चार पार्टियां हैं बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, कल मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन अभी आखिरी फार्मूला नहीं बना है क्योंकि इस बार बीजेपी जो है उसको ज्यादा सीटें मिली हैं जेडीयू से। हो सकता है इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि पहले नीतीश कुमार शपथ लेंगे, बाद में मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंकज झा जानकारी दे रहे हैं कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की और ये 7वां मौका होगा जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।